गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का एडिटोरियल है अनवारंटेड अरेस्ट। अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित, और अरेस्ट का तो जानते ही हैं गिरफ्तारी। तो देखते हैं आगे क्या है। द कैजुअल रिसॉर्ट बाय द पुलिस टू द सेडिशन क्लॉज कंटिन्यूज टू कॉज कंसर्न। यहाँ पर सबसे पहले जो है एक शब्द का मतलब समझते हैं। कैजुअल का मतलब कई सारे होते हैं, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब होता है नॉट रेगुलर, ठीक है ना, जैसे कैजुअल स्टाफ होता है। कैजुअल कमेंट होता है, ऐसा कमेंट जो कि वो इनफॉर्मल होता है। कैजुअल क्लोथ्स होता है, जैसे इनफॉर्मल क्लोथ्स होते हैं जैसे आप घर में पहनते हैं। एक होता है नॉट इंटरेस्टेड कैजुअल कमेंट्स या। तो कैजुअल का जो यहाँ मतलब है ये पूरे एडिटोरियल में, इसका मतलब होता है नॉट सीरियस, ठीक है। इसका मेरे पास कोई हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है, तो इसका समझिएगा नॉट सीरियस मतलब ऐसा चीज़ जो गंभीर नहीं है। तो और रिसॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना या फिर उसका इस्तेमाल किया जाना, और रिसॉर्ट के साथ हमेशा जो है वो प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है। तो देखते हैं ये जो कैजुअल रिसॉर्ट किया जा रहा है बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा जो मतलब कि कैजुअली जो इस्तेमाल किया जा रहा है सेडिशन क्लॉज का। सेडिशन क्लॉज क्या होता है? देशद्रोह या राजद्रोह की जो धारा होती है उसका मतलब कि उसका जो यूज़ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो कंटिन्यूज टू कॉज कंसर्न, ये लगातार जो है चिंता का विषय है या चिंता पैदा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अरेस्ट ऑफ के रघु रामकृष्णा राजू एन एमपी फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन इज येट अनदर इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्साइटिंग दिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जो अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तारी हुई है किसके, के रघु रामकृष्णा राजू जो कि एमपी हैं आंध्र प्रदेश से, किस चीज़ को लेकर मतलब किस चीज़ पर उसकी मतलब गिरफ्तारी है? ऑन द ग्रेव चार्ज, एक गंभीर आरोप पर। आरोप क्या है? सेडिशन का। तो देशद्रोह या राजद्रोह की गंभीर आरोप पर उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप में ये अरेस्ट क्या ये है, ठीक है ना, इज येट अनदर इंस्टांस, ये एक और उदाहरण है ऑफ द मिसयूज़। मिसयूज़ मतलब एक तरीके से गलत उसका इस्तेमाल किए जाने का, प्रोविजन का। प्रोविजन किस चीज़ से, ये जो प्रावधान है उसका गलत इस्तेमाल किए जाने का एक और उदाहरण है, एक अन्य उदाहरण है जो कि संबंधित है किस चीज़ से, एक्साइटिंग दिस अफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए। एक्साइटिंग का मतलब भड़काना, पैदा करना, तो डिस अफेक्शन पैदा करने के लिए जो है गवर्नमेंट के खिलाफ उससे संबंधित जो प्रावधान है उसका गलत इस्तेमाल करने का एक अन्य उदाहरण है, समझ गए। द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इनवोकिंग सेडिशन, एन ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 124 AIPC अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। ये जो अलग अलग राज्यों में जो पुलिस है, ठीक है ना, वो क्या करती रही है, इसका इस सेडिशन चार्जेस का जो है ये इस्तेमाल करती रही है, जो कि एक ऐसा अपराध है जिसे परिभाषित किया गया है सेक्शन 124 AIPC में, ठीक है ना, यानी कि IPC की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही करती रही है, क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो सरकार एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर सरकार के जो आलोचक हैं उसके खिलाफ, और प्रोमिनेंट डिसेंटर्स, और जो प्रमुख जो डिसेंटर जो असंतुष्ट लोग हैं उनके खिलाफ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि दैट मिस्टर राजू, कि मिस्टर राजू जो हैं जो कि एक वोकल डिट्रैक्टर है, डिट्रैक्टर मतलब हैटर कह सकते हैं या आलोचक कह सकते हैं या निंदक कह सकते हैं ऑफ AP चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी के, वो एक मुखर निंदक हैं, आलोचक हैं। इस सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड, उसकी जो है उस पर जो है अभियोजन चलाने की मांग की गई है या उस पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। हाउएवर हिज अरेस्ट इज अनवारंटेड, हालांकि उसकी जो गिरफ्तारी है वो अनुचित है,
कंसिडरिंग ये देखते हुए कि दैट ही इज बींग एक्यूज ऑफ, कि उस पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं किस चीज़ का, ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस, यानी कि भाषण से ही संबंधित, भाषण आधारित जो अपराध हैं केवल उसी से संबंधित जो है वो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है रिलेटिंग टू हिज डायट्राइब। डायट्राइब मतलब होता है एक तरीके से निंदा करना, एक तरीके से आलोचना करना, अगेंस्ट हिज पार्टी लीडर एंड सीएम, अपने जो पार्टी लीडर हैं यानी कि पार्टी की जो नेता है, पार्टी के जो नेता हैं और जो सीएम है वहाँ के, उसके खिलाफ जो है वो जो निंदा कर रहे हैं या फिर उसकी जो आलोचना कर रहे हैं, उससे संबंधित जो उसके भाषण से, भाषण पर आधारित जो उनके अपराध हैं केवल उसी पर उनको एक्यूज किया जा रहा है। ठीक है, इट हैज़ प्रिडिक्टेबली, प्रिडिक्टेबली मतलब ऐसा, मतलब कि माना जा रहा था कि यही, इसका अनुमान किया जा रहा था कि ये होना है, तो इट हैज़ प्रिडिक्टेबली, इसने जो है अनुमानित रूप से, मतलब कि ये अनुमान लगाया जा चुका था कि, एंड नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन, यहाँ पर दो दो नेगेटिव है, नॉट और विदाउट, यानी कि बिना किसी कारण के नहीं है, यहाँ पर इसमें कारण है, ठीक है ना, तो बिना किसी कारण के नहीं है, बल्कि ये जो है प्रिडिक्टिबली जो है इसने इनवाइट किया चार्जेस को। इनवाइट का मतलब होता है यहाँ पर आकर्षित करना नहीं या किसी को आमंत्रित करना नहीं, यहाँ पर जो है इनवाइट का जो मतलब है इनक्रेज करना, इसने जो है कहीं ना कहीं आरोप को इनक्रेज किया एक तरीके से उसको, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा क्या होता है, राजनीतिक प्रतिशोध, तो राजनीतिक प्रतिशोध की जो धारा है या सॉरी आरोप जो है उसको इसने इनक्रेज किया एक तरीके से, इसको जो है आप कह सकते हैं जैसे आपका एक्स है, सपोज आपका एक्स जो कि खराब एक्स है वो इनवाइट करते हैं क्रिटिसिज्म को, यानी कि उस कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसिज्म को वो इनक्रेज करती है, मतलब कि उस चार्जेस को सामने लाती है, यहाँ पर जो है चार्जेस की बात हो रही है, तो आरोप पॉलिटिकल वेंडेटा का, पॉलिटिकल वेंडेटा या राजनीतिक प्रतिशोध के जो आरोप हैं उसको इनक्रेज कर रहा है कि वो उस पर लगाया जाए, ठीक है ना। इवन इफ वन वर टू एक्सेप्ट एट फेस वैल्यू द प्रोसिक्यूशन क्लेम दैट हिज स्पीच इज स्टॉक्ड हैटर्ड अगेंस्ट कम्युनिटीज, ही हैड रेफर टू अलेज्ड रैम्पेंट कन्वर्जन एक्टिविटीज इन द स्टेट एंड अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 505, वॉज हिज अरेस्ट नेसेसरी। तो इवन इफ, यहाँ तक कि या भले ही जो है अगर कोई व्यक्ति फेस वैल्यू में भी यानी कि ऊपरी तौर पर भी जो है प्रोसिक्यूशन का जो क्लेम्स है, जो अभियोजन पक्ष का जो क्लेम्स है यानी कि उसके दावा को भी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसका दावा क्या है, कि उसका जो स्पीचेस है, उसकी जो भाषण है, उसने मतलब कि नफरत फैलाया एक मतलब कि कम्युनिटीज़ के खिलाफ, समुदायों के खिलाफ, यहाँ पर उसके बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ही हैड रेफर टू, उन्होंने उल्लेख किया था अलेजेड रैम्पेंट कन्वर्जन एक्टिविटीज़ का इन द स्टेट, उन्होंने क्या किया था, यानी कि राजू जो हैं उन्होंने राज्य में जो धर्मांतरण की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि जो वहाँ पर गतिविधि हो रही है धर्मांतरण की, कन्वर्जन की, ठीक है ना, तो उसका जो व्यापक रूप से रैम्पेंट मतलब व्यापक रूप से जो कथित मतलब व्यापक कन्वर्जन एक्टिविटीज़, यानी कि व्यापक धर्मांतरण गतिविधि जो राज्य में चल रही है कथित रूप से, एलिजेट मतलब कथित रूप से, ठीक है ना, उसका उल्लेख किया था उन्होंने, ठीक है ना, एंड अट्रैक्टेड, फिर जो है यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, और इसमें जो है अट्रैक्ट किया गया प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाया गया इसका अंडर सेक्शन 153A यानी कि धारा 153A या फिर सेक्शन 505 के तहत, ठीक है ना, तो इसके ये जो है कहा जा रहा है कि भले ही जो है आप फेस वैल्यू में प्रोसिक्यूशन के इस क्लेम को, इस दावे को आप स्वीकार करते हैं कि उसके स्पीच के वजह से, उसके भाषण के वजह से जो है कम्युनिटीज़ के खिलाफ नफरत पैदा हुआ या फिर इसमें जो है प्रोसिक्यूशंस लाए गए हैं, यानी कि इसमें मुकदमा चलाए गए धारा 153A या फिर धारा 505 के तहत, तो क्या उसकी गिरफ्तारी जरूरी थी, आवश्यक थी। दीज ऑफेंसेस अट्रैक्ट प्रिजन टर्म ऑफ ओनली 3 ईयर्स, इन अपराधों में जो ये जो इस प्रकार के जो अपराध हैं तो उसमें जो है प्रिजन टर्म जो है यानी कि जेल की जो अवधि होगी वो कितने साल की होगी,
साल की होगी, केवल 3 साल की होगी। एंड अंडर द अर्नेस्ट कुमार रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो एक अर्नेस्ट कुमार का जो मतलब अर्नेस्ट कुमार फैसला आया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो है एक अर्नेस्ट कुमार फैसला दिया था मैं, ठीक है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है गिरफ्तार करने की व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसमें जो है प्रिजन टर्म 7 साल या उससे कम होते हैं, यानी कि जिसमें जेल की जो अवधि है वो 7 साल या फिर 7 साल से कम जिस अपराध के लिए हो, ठीक है ना, उसके लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्दर इसके अलावा इवन सेडिशन, यहाँ तक कि जो सेडिशन है यानी कि देशद्रोह है, विच अलाउज अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो मतलब कि मैक्सिमम सेंटेंस यानी कि अधिकतम जो सजा है वो मतलब कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कि आजीवन कारावास का जो सजा है, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम सजा है उसको अलाउ करती है। अलाउ का मतलब यहाँ पर एक तरीके से पॉसिबल बनाती है, ठीक है ना, अलाउज मतलब अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो सेडिशन है जो संभव बनाती है मैक्सिमम सेंटेंस जो कि आजीवन कारावास का है, ऑल्सो प्रिस्क्राइब, ये भी निर्धारित करती है कि ऑल्टरनेटिव जेल टर्म ऑफ 3 ईयर्स, जो वैकल्पिक जो जेल अवधि है या जेल में जो रहने का जो समय है 3 साल का, उसको जो है प्रिस्क्राइब करती है, यानी कि उसको आप निर्धारित करते हैं, ठीक है। मिस्टर राजू हैज़ अलेज्ड इल ट्रीटमेंट वाइल इन सीआईडी कस्टडी, ठीक है, मिस्टर राजू ने जो है सीआईडी, जब वो सीआईडी कस्टडी में थे यानी कि सीआईडी की हिरासत में थे, तो वहाँ पर जो है ना उसने आरोप लगाया है इल ट्रीटमेंट का। इल ट्रीटमेंट मतलब कि गलत व्यवहार करने का उस पर आरोप लगाया है जब वो सीआईडी कस्टडी में थे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दैट ही बी एग्जामिन, कि उसकी जांच की जाए, उसकी परीक्षण की जाए एट द आर्मी हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में जो कि सिकंदराबाद में है, और वो सिकंदराबाद कहाँ है, नेबरिंग तेलंगाना में है यानी कि पड़ोसी तेलंगाना में। इस बेल पिटीशन इज लाइकली टू बी टेकन अप लेटर दिस ईयर, यहाँ टेकन अप का मतलब उठाया जाना नहीं है, यहाँ पर विचार किया जाना है कि उसकी जो बेल पिटीशन है यानी कि याचिका जो बेल मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कोई अपराधी है और वो जो है बेल के लिए अपील करता है, यानी कि एक तरीके से आप हिंदी में हम भूल रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो बेल समझ रहे हैं ना, जो बेल किसी को मिलता है, तो बेल पिटीशन जो है वो उस पर विचार किया जाएगा इस सप्ताह के अंत में, ठीक है। इट इज़ एडिफाइंग, ये बड़ा अशोभनीय है यह देखना कि दैट द सी आई डी हैज़ ऑल्सो नेम्ड इन द एफ आई आर, कि सी आई डी ने जो है नामित किया है या नाम लिया है एफ आई आर में 2 टेलीविजन चैनल्स को का नाम लिया है टू विच ही गैप इंटरव्यू, जिसको जो है मिस्टर राजू ने इंटरव्यू दिया था। वाइल द लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स, हालांकि जो ये लीगल प्रोसेस जो कानूनी जो कार्रवाई है उसमें समय लगेगा वो या वो चलती रहेगी। इट इज़ वंस अगेन टाइम फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑन द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, ठीक है ना, ये एक बार फिर से जो है ये सेडिशन के जो अपराध है, जो देशद्रोह का जो अपराध है, उसकी आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता, ठीक है ना, उस पर विचार करने की एक बार फिर से ज़रूरत है, एक बार फिर से वो समय है कि उस पर विचार करें। ये जो सेडिशन का जो ऑफेंस है ये कॉलोनियल एरा का प्रोविजन है, औपनिवेशिक युग का ये प्रावधान है, जिसे इस्तेमाल किया जाता था लोगों को कैद करने के लिए, उनके पॉलिटिकल राइटिंग्स के लिए, इन सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में जो राजनीतिक लेखन होती थी उसके लिए लोगों को जो है कैद करने के लिए इसका इस्तेमाल हो किया जाता था। टू रिमेन ऑन द स्टेच्यूट बुक, कि क्या ये स्टेच्यूट बुक में रहेगा, तो यहाँ जो है टू रिमेन जो है ना ये इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इट इज मतलब कहा जा रहा है ना, वाइल द लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स, इट इज वंस अगेन टाइम फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, ठीक है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना, कि क्या ये फिर से मतलब कि इट इज वंस अगेन, ये एक बार फिर से
मतलब कि समय है रिफ्लेक्शन करने का, यानी कि विचार करने का ऑन द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, यानी कि सेडिशन के जो अपराध है उसकी आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता पर फिर से विचार करने के का समय है कि क्या यह जो है रहेगा स्टेट्यूट बुक में, कानूनी जो किताब में क्या वो रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स, जो राज्य सरकारें हैं और विभिन्न जो पुलिस विभाग हैं, ठीक है ना, आर नॉन फॉर द कैजुअल रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूशन। ये जो है जाने जाते हैं, मतलब इनकी एक आदत है कि ये जो है कैजुअल रिसॉर्ट, मतलब कि कैजुअली जो है ये प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन या मुकदमा का सहारा लेते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं इस सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के इस धारा के तहत। और यह जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ दैट से लेकर यह जो है आपका सब्जेक्ट है, इज अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ अमंग सिविल सर्वेंट्स एल्सो एवरीवेयर, यानी कि सब जगह जो है सिविल सर्वेंट्स के बीच लॉ को लेकर, कानून को लेकर जो है जो समझ है वो सही नहीं है, और इस चीज़ का ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना, पुअर रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है, सही नहीं है ये जो है अंडरस्टैंडिंग है ना, ये पुअर से जुड़ गया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, और ये इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, मतलब कि ये सही प्रतिबिंब नहीं है, ये जो है कि लॉ का जो समझ है सिविल सर्वेंट्स के बीच सभी जगह तो वो सही नहीं है, ये कहना चाह रहा है एक्चुअली में। इट इज़ नाउ फेयरली वेल नॉन, ये जो है अच्छी तरीके से अब ये जाने जा रहे हैं या सर्वविदित है ये कि दैट सेक्शन इज अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, कि यह जो सेक्शन जो है ये तब लागू होगा जब जो है पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को कोई आसन्न खतरा पैदा हो, ठीक है, आसन्न मतलब इमिनेंट खतरा हो तब ये सेक्शन लागू का प्रयोग करेंगे, और देयर इज एक्चुअल इंसाइट और या फिर देयर इज एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस, या फिर जो है हिंसा के लिए जो है वास्तविक रूप से उकसाना, अगर मतलब उकसाया जा रहा हो तब इस चीज़ का हम मतलब कि इस सेक्शन का यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट्स, ये ऐसे तत्व हैं दैट आर इनवेरिएबली यानी कि ऑलवेज एब्सेंट इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में जो है, ज़्यादातर मामलों में जो है अनुपस्थित होते हैं। इन एडिशन इट रिमेन्स वैगली एंड टू ब्रॉडली डिफाइंड, यानी कि इसके अलावा जो है यह अभी भी वैगली है, वैगली मतलब अस्पष्ट बना हुआ है, और टू ब्रॉडली डिफाइंड और बहुत ही व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, मतलब कि ये परिभाषित है, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है डिसअफेक्शन असंतोष, इस सेट टू इंक्लूड, इसमें शामिल है डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी समझ रहे हैं, विश्वासघात या अविश्वास, एंड फीलिंग्स ऑफ एनमिटी यानी शत्रुता का जो भावना है वो शामिल है, वारंटिंग अ टोटल रिकंसिडरेशन, जिसमें मतलब कि वारंटिंग वारंटिंग मतलब इसमें मांग की गई है, या कह सकते हैं इसमें एक तरीके से वारंट है, वारंट का मतलब होता है चाहना, जिसमें मतलब कि मांग की गई है कि टोटल रिकंसिडरेशन किया जाए, यानी कि पूरी तरह से जो है इस पर विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। रिसेंटली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो विचार करेगी, मतलब पुनर्विचार करेगी इस चीज़ पर को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा जो है ये जो सेडिशन सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है उसकी संवैधानिकता पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है हाल ही में, विथ वाइल अ जुडिशियल वर्डिक्ट विल बी वेलकम, हालांकि ये जो जुडिशियल वर्डिक्ट है यानी कि न्यायिक जो फैसला है वो स्वागत योग्य होगा, इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच, ये मुक्त भाषण के लिए और ज़्यादा सुरक्षात्मक होगा यदि सेंटर, यदि केंद्र जो है इस प्रोविजन को हटा देती है, खत्म कर देती है। तो दोस्तों एडिटोरियल वहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।